To my channel, I am Idris Dev, and in the previous two videos, हमने Lost Spring को complete किया था जो अनीस चंग ने लिखी हुई है. तो दो videos उसके बने हैं. अगर आप पहले video का access हासिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे I button मिलेगा. तो इस I button पे click करने के बाद आपको पहले वाले video का access हासिल हो सकता है. I want to drive a car, ये इसका दूसरा part है. तो यहाँ पे मुकेश जो है वो कैरेक्टर है, और वहाँ पे जो था वहाँ पे साहिब कैरेक्टर था. तो हमने साहिब की स्टोरी सुनी, जो खुद पहले क्या था, अपना मास्टर था, लेकिन जब वो चाय के दुकान पे काम करने लगा तो फिर वो अपना मास्टर खुद नहीं रहा. यहाँ पे मुकेश दावा करता है कि वो अपना मास्टर है. तो आइए देखते हैं कि वो कैसे अपना मास्टर है. लेट्स स्टार्ट. I want to drive a car, इसका जो है वो टाइटल है. तो यहाँ पे मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. वो कहता है, वो इसरार करता है कि मैं अपना खुद का मालिक हूँ और मुझे motor mechanic बनना है. वो ये बोलता है. Do you know anything about the car? क्या आप कार के बारे में कोई चीज़ जानते हैं? I ask, मैं जब पूछती हूँ. ये पूछती कौन है? यहाँ पे जो नरेटर है अनीस जंग, वो जब इससे पूछती है, क्या पूछती है कि तुम कार के बारे में कोई चीज़ जानते हो, कार के बारे में जानते हो, उसको ड्राइव कैसे करते हैं? तो ये कहता है, I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes, मेरी आंखों में सीधे देखते हुए उसने ये जवाब दिया कि मैं कार चलाना सीख जाऊँगा. राइट, अब क्या कहता है? His dream looms like a marriage. अब मैरिज की तरह, यानी नज़र फरेबी की तरह उसके जो ख्वाब थे वो बुने जा रहे थे, या वो अपने ख्वाबों को बुन रहा था. Amidst the dust of street that filled his town, फिरोजाबाद. तो फिरोजाबाद के गर्दे में, यानी गर्दे की गली में बैठकर वो इन ख्वाबों को, या गली के बीच में बैठकर वो इन ख्वाबों को बुन रहा था फिरोजाबाद में. Famous for its bangle, वो बैंगल बनाने में काफ़ी ज़्यादा famous है. Every other family in the फिरोजाबाद is engaged in bangle making. तो bangle making में फिरोजाबाद में जो है वो फिरोजाबाद में जो है हर एक bangle making में जो है engaged है. bangle making का काम करता है, चूड़ी बनाने का काम करता है. It is the center of the India's glass blowing industry, where families have spent generations working around the furnaces or welding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems. अब क्या कहता है? कहता है कि ये जो है सेंटर प्लेस है. किसकी सेंटर प्लेस है? इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री की, जहाँ पे फैमिलीज ने अपनी नस्लों को ज़ाया किया हुआ है, और उन्होंने फर्नेसिस के अराउंड, मींस जो वहाँ पे चूल्हे होते हैं, बड़े बड़े चूल्हे जिसमें पिघलाते हैं शीशों को, उनके आसपास बैठकर उन्होंने अपनी जिंदगियों को बर्बाद किया है. वेल्डिंग ग्लासेस में जिंदगियों को बर्बाद किया है, और बैंगल बनाने में, जो बैंगल वो औरतों के लिए बनाते हैं इस सरजमीन पर, ऐसा दिखाई देता है. मुकेश फैमिली इज अमंग देम, उनमें से मुकेश की फैमिली भी है. नन ऑफ देम नोज दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद द हाई टेंपरेचर्स इन अ डिंजी सेल्स विदाउट ईज एंड लाइट दैट द लॉ इफ इनफोर्स could count him at all those 20,000 children out of heart furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब यहाँ पे क्या कहता है? कहता उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि बच्चों को हॉट फर्नेसेस में काम करना जो है वो इलीगल है, और हाई टेम्परेचर के साथ, और डेंजी सेल्स में. डेंजी सेल्स का मतलब होता है जो काले सेल मीन्स छोटे छोटे रूम, उनमें बगैर हवा के और बगैर लाइट के. अगर कानून एनफोर्स होता है, कानून नाफिज होता है, तो जो 20,000 चिल्ड्रन है उनको बाहर निकाला जाएगा, जो वहाँ पे जो है अपना डे लाइट जो है वो आर्ट्स में काम करते हैं. स्लॉग का मतलब होता है काम करते हैं. उसमें क्या होता है कि उनको सबको वो बाहर निकालेंगे, और उनकी जो आंखें हैं वो ख़त्म होती जा रही है, और उनकी आंखों में जो रोशनी है वो ख़त्म होती जा रही है. और वहाँ पे काम करते करते अगर गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा, कानून नाफिस होगा, तो उनको जो है वो बाहर निकालेंगे.
मुकेश आईज बीम्स एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की जो आंखें हैं वो चमकती है और उसने मुझे अपनी मर्जी से अपने वो घर लेके गया, विच ही प्रॉबली से इज बीइंग रीबिल्ड, जहाँ पे वो फख्र से उसने ये बोला कि मेरा घर जो है वो रीबिल्ड हुआ है, मीन्स दोबारा से तामीर हुआ है। वी वॉक डाउन द स्टिकिंग लैंड्स, हम स्टिकिंग लैंड से जहाँ पे बदबू आ रही थी उस लैंड से चले, चॉक्ड विद द गर्बेज जो गंद से भरे हुए थे, पास्ट होम्स वहाँ पे पुराने घर थे, दैट रिमेन्स होवल्स जो अब झोंपड़े ही रह चुके थे, विद अ क्रम्बलिंग वॉल्स यानी कि जो चूर चूर हुई जो वाल थी दीवारें थी उनके साथ, वॉबली डोर्स लड़खड़ाने वाले जो है वो दरवाजे उनमें मौजूद थे, नो विंडो लेकिन कोई भी वहाँ पे विंडो नहीं थी, क्राउड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स तो वो उसमें जो है फैमिलीज थी, इंसानों की फैमिलीज थी और एनिमल्स भी वहाँ पे थी, क्राउडेड थी वहाँ से मतलब भरी हुई थी। फिर क्या था, कोएग्जिटिंग, ऐसा लगता था कि ये हम वजूद आए यानी कि दोबारा से कोई लोग वहाँ पे आए हैं, एक बार वहाँ पे लोग रहते थे वो शायद अब नहीं रहे होंगे और फिर कहीं मुद्दत के बाद कहीं वक्त के बाद ये वाले लोग वहाँ पे आए होंगे, इन अ प्राइमीवल स्टेट यानी कि इब्तदाई जो है हालात में, शुरू शुरू में जो लोग वहाँ रहते थे वो अब वहाँ नहीं रहते हैं, अब ये वाले लोग वहाँ पे दोबारा वजूद में आए हैं। He stopped at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot. यानी उसका जो मतलब जो था टांग जो थी वो जो है टूट चुकी थी उस दरवाजे की और उस दरवाजे के सामने वो रुक गया, push it open, उसको धक्का मारा अंदर जाने के लिए। We enter half built shack. हम जो है half built shack में चले गए, यहाँ पे SHAC के shack का मतलब होता है एक छप्पर एक हट उसमें चले गए। इन वन पार्ट ऑफ इट थैस्ट विद डेड ग्रास इज अ फायर स्टोव, और वो जो है मतलब घास का बना हुआ एक जो है वो स्टोव था जिसमें एक बहुत बड़ा ऑन विच सिट्स लार्ज वेसल ऑफ सेजिंग स्पेनिश लीव्स, सेजिंग स्पेनिश लीव्स का एक बहुत बड़ा वहाँ पे उस पे था, उस फायर स्टोव पे था एक बर्तन, वेसल का मतलब था बर्तन। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज अल्मोनियम, जो ग्राउंड लार्ज अल्मोनियम की प्लेट्स पड़ी हुई थी, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उनमें जो है वो वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, काट के वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, राइट। अब जब उसमें वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी तो क्या हुआ, A frail young woman, एक कमजोर नौजवान औरत is cooking the evening meal for the whole family, वो whole family के लिए या पूरी family के लिए रात का खाना तैयार कर रही थी या रात का खाना पका रही थी। Through eyes filled with smoke, she smiled, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था लेकिन वो मुस्कुराती थी, right? She is a wife of, वो जो है वाइफ थी, वो किसकी वाइफ थी, मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी यानी बड़े भाई की वाइफ थी। Not much older in years, यानी कि बूढ़ी तो लग नहीं रही थी, ऐसे उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, not much older in years का मतलब उसकी उम्र ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही थी। She began to command respect as a beau, वो बहू की जो है इज्जत जो है वो मतलब को हासिल कर रही थी, राइट। द डार इन ला ऑफ द हाउस, यानी कि उस हाउस की वो बहू बनकर काम कर रही थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, तीन आदमी वहाँ थे, हर हस्बैंड उसका खान मुकेश एंड देयर फादर और उनका बाप। When the older man enters, जब वो बूढ़ा आदमी वहाँ आया, she generally withdraws behind the broken wall and bring her veil closer to her face. तो उसने क्या किया, वो उसने जो है यानी कि जो broken walls थी उनके पीछे वो जो है चली गई, दौड़ कर चली गई और वहाँ उसने जो है मतलब अपने मुँह के ऊपर जो है
वो एक पर्दा डाला एज अ कस्टम डिमांड्स, जैसे कि वहाँ की रिवायत थी डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, एल्डर यानी कि जो बड़े होते हैं, जो घर के बड़े होते थे उनके सामने जो बहू होती थी उसको क्या करना होता था कि ऊपर से जो है वो मतलब वेल लेना पड़ता था, मीन्स एक पर्दा लेना पड़ता था. इन दिस केस द एल्डर इज एंड इम्प्रोविस्ट बैंगल मेकर, और इस केस में जो वहाँ वो एल्डर वहाँ पे आया वो एक मुफलिस, वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला था. गरीब यहाँ पे इकोनॉमिकली ही वॉज पोअर, यानी कि इकोनॉमिक के हिसाब से वो गरीब था और बैंगल बनाता था. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी इसके बावजूद भी उसने बहुत सख्त मेहनत की और बहुत सालों, फर्स्ट एज टेलर, पहले वो टेलर बना, एक कपड़े सीने वाला बना, देन बैंगल मेकर, फिर उसने जो है बैंगल मेकिंग में काम किया, मीन चूड़ी बनाने वाला बना. ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट हाउस, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर को जो है रिनोवेट ना कर सका, घर को नया ना कर सका. सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, उसने दो बच्चों को स्कूल भेजा. ऑल ही हैज मैनेज टू डू, जो भी उसने किया, जो भी उससे मैनेजमेंट हुआ वो ये था इज टीच देम, कि वो उनको पढ़ा सके वट ही नोज, जो वो जानता था द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, यानी कि बैंगल मेकिंग से उसने अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की या पढ़ाने की जो है वो मैनेज किया, उनको पढ़ाना मैनेज किया. राइट, वेयर इज हिज कारण हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मादर हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल. तो मुकेश की जो दादी है वो ये कहती है कि ये उसके कर्म थे, कर्म मीन्स उसके किस्मत थे. कर्म यहाँ पे इट्स अ हिंदी वर्ड, और उर्दू जानने वालों को भी ये पता होना चाहिए कि कर्म जो है वो किस्मत को कहते हैं. तो यहाँ पे उसने इंग्लिश में आगे दिया है हिज डेस्टिनी, ये उसकी किस्मत थी. मुकेश की दादी ने कहा, जिसने खुद अपने हस्बैंड को देखा था कि वो ब्लाइंड हुआ था, यानी कि नाबीना बना था, काना हुआ था, बैंगल जो ग्लासेस के बैंगल थे उनको पॉलिश करते करते उसका जो गर्दा था वो उसकी आंखों में चला गया और उससे वो काना हो चुका था. कैन गॉड कीप लीनेज एवर बी ब्रोकन. अब यहाँ पे एक वर्ड आया है लीनेज, तो लीनेज का मतलब होता है खानदान. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछती है, वो ये बोलती है, क्या बोलती है, बोलती है कैन गॉड गिवन लीनेज एवर ब्रोकन, ये जो खानदान उसने दिया हुआ है क्या ये कभी टूट जाता है या टूटता है. वो कहती है, शी एम्प्लाइज, वो कहती है बर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, वो बैंगल मेकर की कास्ट से उसने जन्म लिया था. दे हैव सीन्स नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था बट बैंगल्स इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड अपने आंगन में, इन एवरी अदर हाउस और दूसरों के घरों में भी, एवरी अदर यार्ड दूसरों के आंगन में भी, एवरी स्ट्रीट इन द फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में. स्पेरल्स ऑफ बैंगल, बैंगल का एक स्पेरल होता, मीन्स वो एक गोल गोल सा होता है, और वो स्पेरल्स ऑफ बैंगल जिसमें उसने सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक पर्पल, एवरी कलर्स बर्न आउट ऑफ द सेवन कलर ऑफ द रेनबो, यानी रेनबो के जो सेवन कलर्स थे जिसमें सनी गोल्ड था, पैडी ग्रीन था, रॉयल ब्लू था, पिंक था, पर्पल था, वो जो है वो सेवन कलर जो रेनबो से आते थे वो लाई इन द मोल्ड इन unkempt yard, unkempt yard, यानी कि अब यहाँ पे दो वर्ड, एक आता है mound, एक आता है unkempt, इनका जो मतलब है, तो यहाँ पे जो mold का मतलब होता है ढेर और unkempt का मतलब होता है बेहतर थी, तो वो ढेर में थे, यार्ड में थे वो, यानी आंगन में, बगी वो ढेर में थे, उनकी कोई तरतीब नहीं थी. unpiled, one-four wheeled, उनको जमा करते थे, चार wheeled पे जो हैंड कार्ट होती है, गाड़ी जैसी होती है, पुश्ड बाय द यंग मैन, और उसको नौजवान लोग जो है वो धक्का देते थे, अलॉन्ग द नीरो लेंस जो बिल्कुल तंग लाइनें थी उनके बीच में, ऑफ द शेंटी टाउन, उस शेंटी टाउन में.
यहाँ पे एक और वर्ड आया है शंटी, तो शंटी का मतलब होता है कोटरी, यानी कोटरी वाले उस टाउन में जहां पे कोटरीज थी, जहां पे हट्स थे। एंड द डार्क हट मैन द सॉरी इन द एंड इन द डार्क हंट मैन नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लैम फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प सिट्स बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ द कलर्ड ग्लासेस इन टू द सर्कल्स ऑफ द बैंगल्स। अब यहाँ पे क्या है, तो हंट मैन का मतलब होता है लकड़ी की बस्तियां, जहाँ पे ये मतलब घास फूस के जो है वो मकान बने हुए थे, तो उन घास फूस के मकानों में अंधेरा होता था और वो बैठते थे, ऑयल लैम्प उनके पास होता था, वो फ्लिकर करता था, कभी वो ज्यादा फ्लैम उसको होता था, कभी कम फ्लैम होता था। तो बच्चे जो है वो बैठते थे, लड़कियां भी बैठती थी अपने फादर और मादर के साथ, और वो जो गिलास के वो कलर्ड पीसेस होते थे वो उनके साथ जोड़ते थे, वेल्ड करते। वेल्ड का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि बैंगल के जो सर्कल्स होते हैं उनके साथ जोड़ते थे। देयर आईज आर मोर एडजसेंट टू द डार्क, यानी कि वो उस अंधेरे के साथ जुड़ जाती थी देन टू द लाइट आउटसाइड, जो बाहर मतलब लाइट होती थी उसके बजाय वो जो अंदर जो मतलब डार्क होता था, अंधेरा होता, उसके साथ उनकी आंखें जो जुड़ जाती थी। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और यही वजह थी कि जब नौजवान होने से पहले ही उनकी आंखों में रोशनी जो है वो खत्म हो जाती थी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, और बड़े तमीज के साथ वो इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम होता है शेवता, शवेता सॉरी शेवता, SHAVITA, शेवता। शेवता अ यंग गर्ल इन अ डार्क सॉरी इज अ यंग गर्ल ड्रैप्ड पिंक ड्रेस, वो जो है पिंक ड्रेस में है। सिट अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन, बड़ी औरतों के साथ वो बैठती है। सोल्डरिंग पीस ऑफ गिलास, गिलास के जो शीशे हैं, शीशे के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ती है। यहाँ पे सोल्डरिंग का मतलब भी जोड़ना हुआ और वेल्डिंग का मतलब भी जोड़ना हुआ, तो वो जोड़ती है। यहाँ पे एक और वर्ड आया जिसका मीनिंग मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, वो है ड्रैब, DRAB, ड्रैब, पिंक ड्रेस। ड्रैब का मतलब मबलूस, मलबूस होना, मलबूस का मतलब होता है कि मतलब जो कपड़े उसको पहने हुए थे। तो वो क्या करती थी, गिलास के पीसों को जोड़ रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसका जो है वो हाथ बहुत दस्तकारी तरीके से, यानी बहुत टेक्निकली जो है वो घूमता था, लाइक द टोंग्स ऑफ द मशीन, ऐसा दिखाई देता था ये मशीन की जो है वो मशीन का चिमटा है। आई वॉन्डर, मैं हैरान हूँ, इफ शी नोज, अगर वो जानती है द स्कैम स्कैंटिटी ऑफ द बैंगल्स, यानी बैंगल की ये पाकीजगी, ये मुकदस पन, शी हेल्प्स में, जो वो मतलब मदद करती है उसको बनाने में। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, और ये इंडियन वुमेन जो होती है उनका सुहाग जो होता है उसको सिंबलाइज करती है, उसको जो है ये आइडेंटिफाई करती है, उसकी ये पहचान करवाती है। तो यहाँ पे सुहाग जो है ये भी एक हिंदी वर्ड है, तो सुहाग का मतलब होता है यानी कि जो खावन होता है, और उसका खावन को हम सुहाग बोल सकते हैं। यहाँ पे अस्पेशियसनेस इन मैरिज, यानी कि मैरिज में जो अस्पेशियसनेस है, यानी सुहाग को इंग्लिश में अस्पेशियसनेस भी हम कह सकते हैं, यानी कि नेक शोगन। अस्पेशियसनेस का क्या मतलब हो गया, नेक शोगन इन मैरिज, यानी मैरिज में जो नेक शोगन, नेक शोगन का यहाँ पे क्या मतलब होता है, कि मतलब यहाँ पे नेक शोगन का ये है कि जो ये सुहाग होता है वो हमेशा, यानी कि जो हस्बैंड होना चाहिए वो हमेशा जो है जिंदा होना चाहिए, तो वो नेक शोगन कहा जाता है, उसको सुहाग कहा जाता है। इट विल टॉप ऑन हर सर्ली वन डे वेन हर हेड इज ट्रैप्ड विद रेड वेल, हर हैंड डाइड रेड विद हीना एंड रेड बैंगल रूल्ड ऑन टू हर रेस्ट, शी विल देन बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी इज एगो। अब ये कब होगा, इट विल डॉन ऑन हर सडनली, ये अचानक होगा एक दिन। वेन हर हैंड इज ड्रैप्ड विद द रेड वेल, जब उसका जो हेड है
When her head is draped, उसका जो हेड है जब उसके ऊपर जो है पर्दा लगाया जाएगा, वो भी रेड यानी कि लाल पर्दा उसके ऊपर यानी कवर लगाया जाएगा, कवर जिसको वेल बोलते हैं, जिसको नकाब भी बोलते हैं, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बात हुई थी पिछले 2 महीने पहले वेल पे। तो वेल का मतलब होता है यहाँ पे बुरका, लेकिन यहाँ पे हम कवर ऊपर से वो जब शादी करते हैं तो वो लाल वाला कवर जो है ऊपर से नीचे डालते हैं, वो जब इसके ऊपर डल जाएगा तो तब ये होगा। हर हैंड डाइड रेड, उसके हाथ जो है वो रंगे जाएंगे, और किससे रंगे जाएंगे, हीना, हीना मीन्स मेहंदी से रंगे जाएंगे, और उसको लाल जो है वो चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी उसके जो है रेस्ट बोलते हैं इस कलाई के ऊपर यहाँ से, और फिर शी विल देन बिकम अ ब्राइड, फिर वो दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, यानी कि जैसे कि बूढ़ी जिनके साथ वो बैठी हुई है वो कुछ साल पहले बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई पे अभी भी बैंगल्स हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी रोशनी नहीं है। शी सेज, वो कहती है, इन वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, खुश खुशी वाली आवाज में वो क्या कहती है, वो ये कहती है, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, लेकिन पूरी जिंदगी में उसने रात का खाना जो है वो नहीं खाया है। दैट इज वट शी हैज रेप्ड, जिसके लिए अब उसको दुख है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, यानी उसकी जो दाढ़ी है वो फ्लो करती है, और वो कहता है अपनी फ्लोइंग दाढ़ी के साथ, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ मैं बैंगल्स जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, जो मैंने किया वो मैंने अपनी फैमिली के लिए घर बनाया जिसमें ये रह रही है। हियरिंग हिम, उसको ये सुनते हुए, वन वॉन्डर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, अब उसको सुनते हुए ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसने सब कुछ अचीव किया है जो एक आदमी जो है कभी भी जिंदगी में नहीं कर सकता है। ही हैज रूफ ओवर हिज हेड, और उसके सर पर तो छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, कोई भी काम करने के लिए जो है पैसे ना होना, एक्सेप्ट केयरिंग ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, हालांकि जब चूड़ी का बिजनेस हो, इवन नॉट एनफ टू ईट, वो जो है खाना खाने के लिए जो है वो तो काफ़ी नहीं है, रिंग इन एवरी होम्स, फिर वो घर बनाने के लिए जो है कैसे काफ़ी हो सकता है। द यंग मैंस ईगो द लिमिट ऑफ देयर एल्डर्स लिटल हैज मूव्ड विद देयर टाइम्स इट सीम्स इन द फैरोजाबाद। अब यहाँ पे क्या कहता है, कहता है द यंग मैन इको द लिमिट्स ऑफ देयर एल्डर्स, जो एल्डर्स की जो इको थी, जो एल्डर्स का जो काम था उस पे वो मोहतम कहते हैं। लिटल हैज मूव्ड विद द टाइम, जो छोटे हैं वो अब वक्त के साथ बढ़ते हैं। इट सीम्स ऐसा दिखाई देता है इन फैरोजाबाद, फैरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव्स एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और जो मतलब बहुत सालों से जो काम कर रहे हैं, जो मुश्किल काम कर रहे हैं, उसने तमाम लोगों की जो है इब्तिदा को ही ख़त्म कर चुका है, और उन्होंने जो है मतलब जो ख्वाब देखने की जो एबिलिटी है, जो ख्वाब देखने की काबिलियत है, उसको वो ख़त्म कर चुके हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सर्विस इन टू अ कॉपरेटिव, कॉपरेटिव में अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हैं, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल्स ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप योर फादर्स एंड फोर फादर्स। मैंने ग्रुप से कहा, यंग लोगों का जो ग्रुप है जो बुरे काम में पड़े हुए थे, और जिनको जो अपने फोर फादर्स, फादर और फोर फादर को ट्रैप करते थे, उनको फंसाते थे, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज होते हैं, वी आर द वन हु विल ह्यूल्ड अप बाय द पोलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल।
और अगर हम ऑर्गेनाइज होते हैं तो फिर हमें पुलिस पकड़ेगी और वो हमें जेल डालेगी, ये काम करते हुए, इलीगल काम करते हुए। जिससे उन्होंने कहा, देयर इज नो लेयर अमंग देम, हम में से तो कोई लेयर भी नहीं है, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी नहीं जो उनको चीजों को मुख्तलिफ दिखाने में मदद करे। दे टॉक एंडलेसली इन स्पेरल्स, वो जो है मतलब जैसे वो बैंगल्स होती है जिसका कोई भी एंड नहीं होता है, तो इस तरीके से वो बात कर रहे हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एम्पैथी, जो पॉवर्टी से एम्पैथी और एम्पैथी से फिर ग्रीड और ग्रीड से फिर इनजस्टिस। जो क्या करते हैं, जो मतलब यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है ग्रेड और एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एम्पैथी। तो पहले जो है वो पॉवर्टी से एम्पैथी आते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है मुर्दा दिल, पहले गुर्बत होती है, फिर उनके दिल जो है मुर्दा हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर उनको लालच पड़ जाती है, और फिर उनको क्या होता है, फिर वो इनजस्टिस में आ जाते हैं, किसी के साथ वो जस्टिस कर ही नहीं सकते हैं। आप क्या बोलता है, लिसनिंग टू देम, उनको सुनते हुए, आई सी, मैंने देखा, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो मुख्तलिफ दुनिया, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसी फैमिली जिसमें जो है क्या है, जिसमें ये है कि वो जो है मतलब गुर्बत में जकड़ी हुई है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो कास्ट के स्टिग्मा में जो है वो बर्डन हुई है, बोझ तले दुबी हुई दबी हुई है, बोझ के जो है वो दाग लग चुका है, इन विच दे आर बर्न, जिसमें वो पैदा हुई है, द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, जो दूसरा सर्कल है वो साहूकार है, द मिडल मैन, द पोलिस, जिसमें मिडल मैन है, पोलिस है, द कीपर ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, जिसमें क्या है, दूसरे में है साहूकार है, मिडल मैन है, पुलिस मैन है, ला को जो है वो कीपर हैं, ला के हफाज करने वाले हैं, इसमें बैरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और सब ने जो है जो चाइल्ड पे है उन पे बैगेज डाली हुई है। बैगेज का क्या मतलब है, यहाँ पे बैगेज का मतलब है बोझ डाला, यहाँ पे बैगेज का मतलब तो है साजो सामान, लेकिन यहाँ पे बोझ डालना है, तो उन पे जो है क्या है, बोझ डाला हुआ है। दैट कांट पुट डाउन, जिसको बाहर नहीं निकाला जाता है, बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर हो जाए, ही एक्सेप्ट इट, वो इसको कबूल कर लेते हैं, यानी कि अवेयर होने से पहले ही इसको एक्सेप्ट करते हैं, एज नेचुरली एज दे हिज फादर्स, और ऐसे कि उनके वालद ने भी इसको जो है वो क्या किया है कि एक्सेप्ट किया है। टू डू एनी थिंग एल्स, कोई भी चीज करने के लिए, वुड मीन टू डियर, तो कोई भी चीज करने के लिए हिम्मत का होना काफी जरूरी है। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और इंसान को बढ़ने के लिए सिर्फ जुरत की ही जरूरत नहीं है, वो उसका ही पार्ट तो नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट, जब मैंने अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैंने मुकेश में ऐसा कुछ देखा, आई एम चेयर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुकेश तो कुछ तो करना चाहता है, ही इज ड्राइंग समथिंग, ही इज गन डू समथिंग, कुछ तो कर रहा है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। आई विल वॉक, क्या कहता है, ही रिपीट्स, वो बार बार कहता है, ही विल गो टू अ गैरेज, वो गैरेज में जाएगा, एंड लर्न, और वहां पे सीखेगा, बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन उसके घर से गैरेज तो काफी ज्यादा दूर है। आई विल वॉक, मैं मतलब चलूंगा, ही इंसिस्ट, वो इसरार करता है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लान, क्या आपको ये भी ख्वाब है कि मैं जहाज उड़ाऊं, ये राइटर उससे पूछती है। ही इज सडनली साइलेंट,
वो एकदम से खामोश रह जाता है. नो ही सेज, वो कहता है नहीं. स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, नीचे जमीन की तरफ देखते हुए, इन हिज स्मॉल मोमा देयर इज एन एम्बैरेसमेंट. तो वो जो है मतलब एक बड़बड़ाहट, छोटी सी बड़बड़ाहट में वहाँ पे एक परेशानी है, एक एम्बैरेसमेंट है. दैट ही हैज नॉट येट टर्न एंड टू टारगेट, सॉरी वो अभी जो है मतलब रिग्रेट भी उसने जो है वो अभी नहीं किया है. ही इज कंटेंट टू ड्रीम, वो जो है मतलब सब्र से ख्वाब देखता है. ऑफ कार्स, किसके? कार्स के. दैट ही सीज, वो देखता है हॉटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, यानी कि अपने जो टाउन की जो स्ट्रीट है उस मतलब उसको जो है वो वहाँ रहकर वो जो है ड्रीम देखता है. फ्यू एयरप्लेन फ्लाइज ओवर द फैरोजाबाद, फैरोजाबाद के ऊपर जो है कुछ एरोप्लेन चले जाते हैं. तो इस तरह से यहाँ पे दो स्टोरीज को हमने अच्छी तरह से पढ़ा, लाइन बाई लाइन पढ़ा, जिसमें एक जो है आई फाइंड अ रुपीज इन द गार्बेज, और सेकंड जो थी वो थी कि आई विल बिकम अ कार मैकेनिक, जो इसका टाइटल है. तो उस हिसाब से हमने इसको ख़त्म किया. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ कमेंट्स शेयर और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे, जो थर्ड जो है आपका लेसन होगा इंग्लिश का. मुझे इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी ने वफा की, तो फिर मैं आपके साथ मिलूँगा. तब तक के लिए गुड बाय.